दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि ये वीडियो कितनी वायरल हो रही है, और इस वीडियो के हिसाब से कि इस लोकेशन पे राजपाल यादव जी का घर है। तो जैसे हम चल रहे थे रास्ते पर, तो हमें एक वड़ा पाव दीदी का स्टॉल मिला जो कि बहुत क्लीन था, और वहाँ पर गैस भी रखी थी, और बड़े अच्छे तरीके से ये वड़ा पाव बना के सेल कर रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई में आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी, सस्ता और अच्छा। दोस्तों, हम आ चुके हैं अंधेरी। अंधेरी से जो मैं उस पर दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। इधर राजपाल यादव सर रहते हैं क्या? राजपाल यादव नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है। वीडियो देखा है हमने? 403 फ्लैट नंबर? नहीं, गलत है ना? गलत है। जमाने छोड़े हो, हम देखा भी नहीं है। अच्छा, पहले रहते होंगे। तो हमको मालूम नहीं है, मतलब बहुत यादें बंद कर दिया। गलत जगह पाओगे क्या? वो अंदर वाला किसका लेकिन गलत जा रहा है ना? महीने में 10 तो आता ही है ना, लेकिन यहाँ है नहीं। जुहू में? जुहू में कहाँ? किसी के मुँह से सुना था जुहू में जाते हैं। बताओ कितना तुमको मालूम है? वीडियो में बताया कि राजपाल यादव सर यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ नहीं रहते वो। वीडियो में यही बताया जाता है कि यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रहते हैं। नहीं है ना? अब राजपाल यादव यहाँ रहते हैं कि नहीं, आप क्लियर कर दो, बस इतना कर दो, तो हम उसको सही डालेंगे। कितने टाइम पहले रहते थे? अरे बहुत साल हो गए, 8 साल हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ के सारे गार्ड लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई राजपाल यादव सर नहीं रहते हैं, और वो जो साइकिल वाले अंकल थे वो वीडियो बनाने पर गुस्सा हो गए थे, और वो वीडियो बनाने के लिए बंद करने के बाद उन्हें हमें बताया कि दोस्तों 2012 में राजपाल यादव सर ने अता पता लापता एक मूवी बनाई थी। तो दोस्तों, वो ये मूवी बनाने के बाद उन पर इतना कर्जा हो गया कि वो ये फ्लैट बेच बाच के चले गए। तो वो जो फेक वीडियो चल रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई ये गलत एड्रेस मत डालो, यहाँ कोई राजपाल? वो तो आप सीनियर है, जो हमारे सीनियर है उनसे आप डिटेल ले सकते हैं, उनसे थोड़ा अपना मतलब रिक्वेस्ट करिए, वो बता देंगे। दोस्तों, यहाँ पे कोई राजपाल नहीं रहते हैं। जो भी आपको गलत वो बताते हैं कि सर ट्री हाइट्स में कोई विंग ए में राजपाल रहते हैं, वो सब गलत है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करिए, और यहाँ पे कोई राजपाल नहीं रहता, जैसा कि ये भी बोल रहे हैं। अंकल, यहाँ पे रहते हैं कि नहीं? यहाँ पर नहीं रहते। अब बोल रहे थे ना कि बिहार से आया था, वो रात भर यहीं पे ही बैठा रहा। एक बजे रात तक यहाँ बैठा था। मतलब कैसे, क्या हुआ था? वो भी ऐसे लोकेशन से एड्रेस से आया था यहाँ पे, तो हम लोग बोला भाई यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ से चले जाइए। 4:30 बजे रात को चले गए। कितना परेशान है ना? अब ये तो आप बोले तो राजपाल यादव को मालूम ही नहीं है। आपका नाम क्या था? मेरा त्रिभुवन। ठीक है, धन्यवाद। तो ये फेक न्यूज़ थी कि राजपाल यादव यहाँ रहते हैं, फेक। यहाँ उनका फ्लैट था, ये लोग बताते हैं कि बेच बाच के चले गए यहाँ से। अब ये लोग सीनियर है, 15 साल का, हम लोग के 2-3 साल का है। ये लोग को पूरी डिटेल जानकारी है, किसका फ्लैट कौन है, कौन बेच के गया, कौन नहीं गया, सब मालूम है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। चलो, आप लोग के सीरियल में क्या दिखता है? ब्लॉग और शॉर्ट। तो दोस्तों, जो भी एक्टर्स के बारे में हम वीडियो बनाते हैं, वो उन्हें नहीं पता चलता कि हम उनके बारे में कौन सी वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ ऐसे वीडियोस, फेक वीडियोस देख के एक्टर से मिलने ना आए, और मुंबई में वैसे भी कोई भी एक्टर ऐसे नहीं मिलता है।
यहाँ आने पर आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, मतलब बहुत परेशानी होगी आपको। तो जैसे ही हम यहाँ से निकले तो बहुत भयंकर बारिश शुरू हो चुकी थी और कोई भी ऑटो हमें दिख नहीं रहा था। तो दोस्तों, मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ तो, और मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल के, इतनी मेहनत से आपके लिए इतने वीडियोज़ लाती हूँ, सच्ची वीडियो, बिल्कुल सच्ची वीडियो। तो दोस्तों, मेरे लिए भर भर के लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। बाय। म्यूजिक